अब हम अपना मैंगो शेक बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए एक मैंगो की प्यूरी। इसको मैंने आम के छिलकों को बस ऊपर से निकाल लिया था और अपने हाथों से इसको मैश कर लिया था। एक बड़ा चम्मच चीनी लिए, थोड़ी सी टूटी फ्रूटी, ये घर पे बनाई हुई टूटी फ्रूटी है, ये डेकोरेशन के लिए लिया मैंने। और ये मैंने लिया है ड्राई मैंगो, ये भी डेकोरेशन के लिए है। अब हम एक जार लेंगे और एक जार के अंदर हम एक गिलास दूध डाल देंगे और उसी के साथ अब हम इसके अंदर डाल देंगे ये मैंगो की प्यूरी और ये शुगर पाउडर एक चम्मच। अब हमने जार का ढक्कन बंद कर देंगे। अब हम अपने इस शेक को मिक्सी में ब्लेंड कर लेंगे। अब इसके अंदर हम 4-5 टुकड़े बर्फ के डालेंगे और बर्फ डालने के बाद हम इसे एक बार और अच्छे से मिक्सी में मिक्स कर लेंगे। अब देखिए हमारा मैंगो शेक बिल्कुल रेडी है, ऐसा कलर आया है इसके अंदर। अब हम इसे अपने ग्लास में सर्व कर लेंगे। अगर आपके पास आइसक्रीम हो तो आप इसके ऊपर आइसक्रीम डाल सकते हैं। देखिए, और अब हम इसे थोड़े से इसके ऊपर ये टूटी फ्रूटी डाल देंगे। बस जिस जिस भी कलर की टूटी फ्रूटी हो आप वो इस पर डाल सकते हैं। मेरे पास ग्रीन और येलो है तो मैं दोनों इस पर डाल दूंगी। उसी के साथ अब मैं डेकोरेशन के लिए इस पर एक ये ड्राई मैंगो डाल दूंगी। तो देखिए कितनी जल्दी और बिल्कुल बाजार जैसा मैंगो शेक हमारा बनकर तैयार है। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।